गया में अयोध्या मामले में कोर्ट के फैसले का इंतजार हो रही है। केंद्रीय मंत्री केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री जयंत सिन्हा कहा कि अयोध्या मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का रुख साफ है, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे और कहा कि 2019 का चुनाव एनडीए पे भारी बहुमत से जीतेगा। तीन तलाक बिल की मंजूरी, गरीब सवर्ण को 10% आरक्षण का लाभ और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना को सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया। इस फैसले से सरकार का यह नारा सबका विकास का साथ को मजबूती मिली। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार से लेकर झारखंड और मणिपुर समेत दूसरे राज्यों में आयुष्मान भारत योजनाओं से 7 लाख परिवारों से फायदा मिला है। साथ ही ग्रामीण भारत की आधारभूत संरचना सुधारने के लिए दिशा में सरकार द्वारा कदम आज देखने को मिला है। नोटबंदी व GST को लागू करके सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम कसा है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन को महागठबंधन बताया और मजबूत सरकार नहीं बल्कि मजबूर सरकार चाहते हैं। प्रेस वार्ता में मौजूद गया के सांसद हरी मांझी, धनराज शर्मा, जिला अध्यक्ष MLC कृष्ण कुमार सी, पूर्व विधायक श्याम देव पासवान, गो विधायक मनोज कुमार, भाजयुमो नेता अभिषेक कुमार, आयुष सिंह, कई लोग मौजूद रहे। तो जैसे मैंने कहा, सबका साथ, सामाजिक न्याय, सबका विकास, ये सब साधन सब लोगों को मिल रहे हैं। एक और बहुत ही अहम मुद्दा है जिसपे हमारी सरकार ने इस सत्र में भी बहुत कुछ काम किया है और हम लोग पिछले 4.5 साल में हम लोग काम करते रहे, और वो है भ्रष्टाचार का मुद्दा। भ्रष्टाचार पे जिस प्रकार से हम लोगों ने लगाम लगाया है, जिस प्रकार से क्रिश्चियन माइकल को हम लोग गल्फ से लेकर वापस अपने देश में लाए, और जिस प्रकार से उनकी हम लोगों को जानकारी मिलती चली जा रही है कि UPA के समय जो जो घोटाले चल रहे थे, क्या क्या वहाँ उन लोगों का काम करने का तरीका था, ये हम लोगों को इस आदमी के द्वारा बहुत कुछ जो है रहस्य है, बहुत सारे पोल जो हैं वो खुलते चले जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार पे जो हम लोगों ने लगाम लगाया नोट बदली के द्वारा और इस प्रकार से बहुत ही सख्ती से कार्रवाई करके, आपको मालूम है कि विजय माल्या जी का भी एक्सट्रेडिशन जो था वो कोर्ट ने इसको स्वीकार कर लिया है। उन्होंने अपील किया है, बिल्कुल अपील करें, इस तरीके से कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो देश के चौकीदार हैं, वो देश के चौकीदार हैं, और भ्रष्टाचार के लिए चाहे जो भी कुछ करना हो वो करने को तैयार है। हमारी सरकार करती रही है नोट बदली के द्वारा, जो नोट बदले गए, जितने लोगों के पास काला धन था, जो टैक्स की चोरी करते थे, जो बेईमान थे, उन्हें अपना पैसा बैंकों में डालना पड़ा, और इस कारण लाखों लोगों को हमको पता चल गया है कि वो किस प्रकार से काले धन में उनका कारोबार चल रहा था, और उस पर हम लोगों ने काफ़ी रोक लगाई। तो ये तीन बड़े अहम मुद्दे हैं। आपको मालूम है कि कल कलकत्ते में बहुत बड़ी एक रैली हुई, महागठबंधन की रैली हुई है, लेकिन ये महागठबंधन जो है वो हम लोग जाकर जनता को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि वो महागठबंधन नहीं, महाठग बंधन है। वो एक मजबूर सरकार चाहते हैं, जिसमें मजबूर सरकार में जिस प्रकार से उनका भ्रष्टाचार चल रहा था, जिस प्रकार से वो देश को हानि पहुंचा रहे थे, वो करते रहेंगे, और इसी के लिए उन्होंने अपना एक महागठबंधन बनाया है। हम लोग कह रहे हैं कि देश एक मजबूत सरकार चाहती है, जिसमें कि जो विकास हुआ है, जो सामाजिक न्याय हुआ है, जो भ्रष्टाचार पे लगाम लगी है, ये सब एक मजबूत सरकार करके दिखाएगी, करती रही है, आगे भी करते रहेगी। और मजबूर सरकार, महागठबंधन की सरकार अवश्य नहीं बनेगी। 2019 का चुनाव जनता हमें जिता कर ही भेजेगी, क्योंकि जो हम लोगों ने काम करके दिखाया है, जो हम लोगों ने विकास किया है, जो हम लोगों ने सामाजिक न्याय दिया है। रिपोर्ट बाय प्रवीण ओझा, समाचार इंडिया न्यूज़।